हरियाणा के दो जिलों में बारिश में सड़क बनाए, एक 28 करोड़ की बहते पानी में तारकोल बिछाया। ईओ ने एचएसवीपी एक्सियन से जवाब मांगा। हरियाणा के दो जिलों में बारिश में सड़क बनाने का मामला सामने आया है। करनाल में नमस्ते चौक से लेकर मीरा घाटी की तरफ जाने वाली सड़क काफी दिनों से टूटी पड़ी थी। इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे। थोड़ी सी बारिश में यहाँ पानी रुक जाता था। शनिवार दोपहर यहाँ बारिश हुई। बारिश के बीच ही ठेकेदार ने सड़क बनाने का काम जारी रखा। सड़क बनाने का करीब 1.5 करोड़ में टेंडर हुआ है। एक्सियन संदीप कुमार ने कहा कि बरसात में जहां पर तारकोल डाला गया है उसे हटवा दिया गया है। सोमवार को मौके पर जाकर दोबारा चेकिंग की जाएगी, अगर कुछ खामी मिलती है तो दोबारा जांच की जाएगी। इसके अलावा इसार में बारिश में 28 करोड़ की सड़क बनाई जा रही है। बारिश में ही इस पर गर्म तारकोल बिछाया जा रहा था। ये सड़क सिरसा नेशनल हाईवे से जोड़ी जानी है। इसका खुलासा तब हुआ जब एक राहगीर ने इसका वीडियो बना लिया। इसके बाद अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया, जिसके बाद ठेकेदार को तलब कर अधिकारियों ने काम बंद करने को कहा। उसे कहा गया कि बारिश में जितनी भी सड़क बनाई गई है उस पर अतिरिक्त तारकोल डाला जाए। बारिश में सड़क बनाए जाने की शिकायत संपदा अधिकारी ईओ राजेश खोत ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एचएसवीपी के एक्सियन से अधिकारी से जवाब तलब कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक हिसार के सेक्टर 14 पार्ट 2 और 33 के लिए सड़क बनाई जा रही है। इस सड़क को सिरसा नेशनल हाईवे से जोड़ा जाना है। श्रीराम आइडियल स्कूल के पास मकान नंबर 1621 और 1627 तक की 500 मीटर सड़क बारिश में ही बना दी गई।